कल का आपका जो वीडियो था ना ऑनलाइन क्लास उनको, में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप लिस्टिंग। देखिए वी लुकअप लिस्टिंग को टॉपिक का नाम मैंने दिया है, वी लुकअप लिस्टिंग नाम है कुछ नहीं, लेकिन मैंने उसको वी लुकअप लिस्टिंग के नाम से दिया है। अब उसका इस्तेमाल क्यों होता है, किस लिए होता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो उसके लिए हम डिपार्टमेंट नेम सिटी एंड मंथ बता देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, बात इस पर सर आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है? नहीं, एक मिनट, अभी भी नहीं आ रही है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज। सर आवाज आप यार ये यहाँ तो सही दे रहा है, नहीं आ रही सर। रीज्वाइन करें दोबारा से। हाँ जी, रीज्वाइन करूं? हाँ ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं वी लुकअप लिस्ट, मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में वी लुकअप की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर कोई डेटा ऐसा है जो कि जिसमें रिपीटेड बहुत सारे नंबर रिपीटेड है तो उसको कैसे लुकअप किया जाए। तो एक वैल्यू कई बार आ रहा है उसको चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि डिपार्टमेंट मुझे मंथ वाइज देखना है, तो मैं अगर अप्रैल को देखूंगा तो पहला अप्रैल का डेटा मुझे दिख जाएगा, लेकिन दूसरे अप्रैल का डेटा नहीं दिखेगा, चाहे वो वी लुकअप लगा ले, चाहे मैच इंडेक्स लगा ले, चाहे कोई और चीजें भी लगा ले। तो कैसे किया जाए जिससे वी लुकअप जो है हर एक डेटा को करे, फिल्टर, जनरली हम फिल्टर करते हैं यहां पे, जैसे हमने अप्रैल करके फिल्टर किया तो ये अप्रैल का पूरा डेटा आ रहा है। तो ऐसे कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ट्रिक्स को अपनाते हैं। ट्रिक को थोड़ा सा अपनाएंगे तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मंथ के हिसाब से चाहता हूं, तो मैंने मंथ लिखा और मंथ में जब जैन लिखा तो मुझे जैन का डेटा आना चाहिए। अब इसकी ट्रिक्स को देखिए, मैं ट्रिक्स कैसे अपनाता हूं। हम एक सबसे पहले डेटा में कॉलम को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ का, काउंट इफ, और काउंट इफ में हम सिलेक्ट करेंगे ए टू से ए टू, पहले वाले E2 को हम फ्रीज कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे सीक्वेंस आ जाएगा, पहले अप्रैल मान लीजिए कि हर मंथ का एक सीक्वेंस नंबर जनरेट कर देगा, फिल्टर करके देखेंगे सीक्वेंस नंबर जनरेट करके दे दिया कि पहले अप्रैल को वन, दूसरे को दो, तीसरे को थ्री, इस तरह से। तो ऐसे हर मंथ के लिए इसने सिक्वेंस जनरेट कर, इसके लिए क्या अप्लाई किया मैंने, इसके लिए अप्लाई किया मैंने काउंट, काउंट इफ में हमने E2 से E2 कॉमा E2 लिया। अब चलिए इसमें आगे की प्रोसीजर को अपनाते हैं, लेकिन इसमें भी यूनिक नहीं है, डुप्लीकेट है, हमें तो यूनिक चाहिए। तो हमने क्या किया कि यहां पे कॉनकटा नेट लगाया और एक सेपरेटर दे देता हूं डैश, और उसके साथ हमने कॉनकैटेनेट को दे दिया। तो हमने वार काउंट इफ की रिजल्ट को और मंथ को दोनों को कंबाइन कर दिया। इससे भी समझ में आ रहा है कि पहला अप्रैल, पहली अक्टूबर, पहली जैन, पहली जून, दूसरी जून, पहला फेब, तीसरा जून, इस तरह से भी समझ में आ रहा है कि आखिर है क्या है। ये चेंजिंग करना है आपको डेटा। अब इसके आगे बढ़ते हैं
कि यहां पे अब बात करते हैं कि इसमें आपने जहां वी लुकअप लगाए हैं वहां क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे मैं काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा और काउंट इफ को फॉर्मूला को बोलूंगा कि पूरे कॉलर में जैन को काउंट करके बताए कि कितना बार आ रहा है। तो ये 9 बार आ रहा है, तो मैं यहां पे मैनुअल 1 लिखूंगा और फिर करूंगा कि इक्वल इफ ऊपर वाले वैल्यू में +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन ए काउंट इफ की रिजल्ट मतलब कि जैन की नंबर ऑफ टोटल जैन कितना बार है उससे ज्यादा होता है तो यहाँ पे ब्लैंक शो करे, अदरवाइज इसमें +1 करे। तो हमने कंडीशन दिया कि इफ H2 +1 इज ग्रेटर देन K1 तो यहाँ पे ब्लैंक आए, अदरवाइज H5 +1। और फिर नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर दे F4 और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। और यहां पे हम इफ कंडीशंस लगाते हैं, इफ एरर क्यों, क्योंकि यहां पे एरर आया हुआ है। फिर यहां पे देते हैं ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग हो गया। इससे फायदा क्या हुआ कि यहां पे जो मंथ लिखेंगे उस मंथ का जितना बार वो मंथ होगा उतना बार यहां पे उसका सीरियल नंबर बन जाएगा। जैसे जून कर दिया मैंने, जून सब 9 बार ही है, ये देखिए अप्रैल 10 बार है, 10 आ गया। एक माह के काम करता हूं, थोड़ा सा जैन फैब को बढ़ा देता हूं। तो यहां पे अगर मैं जैन दिया तो जैन के रिजल्ट 12 है तो 12 बार आया, फैब दिया फैब 11 बार है, मार्च दिया तो मार्च 7 बार है, दिसंबर दिया तो दिसंबर 6 बार है, जून दिया तो जून हमारा 8 बार है। तो उसकी ऑटोमेटिक सीक्वेंस नंबर उसके हिसाब से बढ़ेगा। उसके बाद फिर यहां मैं वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप जैसे यहां पे मैंने वन डैश और मंथ को कंबाइन किया है वैसे इसकी सीरियल नंबर के साथ मैं डैश दूंगा और कंबाइन करूंगा इसके मंथ को। फिर वी लुकअप के जरिए इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा एंड कॉमा 2, 0। आगे बढ़ने से पहले मुझे इसको फ्रीज करना चाहिए, इसके एच को फ्रीज कर दूं और जे वन ये पूरा फ्रीज हो गया, डेटा को फ्रीज कर दूं ताकि इंक्रीज ना हो जब मैं इसको ड्रैग करूं। मैंने इसको ड्रैग किया तो सब में नाम ही आ रहा है, यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा तो सैलरी आएगा, यहाँ पे 4 कर दूंगा और यहां पे मैं 5 कर दूंगा। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं तो डेटा है बाकी जगहों पे देखिए नीचे क्या है, एरर आ रहा है, एरर। चलो ये एरर ना दिखे, सिर्फ डेटा दिखे एरर ना दिखे, तो उस केस में मैं क्या करूंगा यहां पे इफ एरर का फॉर्मूला लगाऊंगा और इफ एरर में पहले पार्ट में होगा वी लुकअप एंड दूसरे पार्ट में देता हूं ब्लैंक और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, हट गई। और सेम इसी तरह से इसका भी करते हैं और यहां पे ब्लैंक और इसको भी हम ड्रैग करते सेम थिंग इफ एरर और फिर यहां पे देते हैं ब्लैंक। तो ये हमारा
वी लुकअप लिस्टिंग मेथड हुआ कि डेटा के अंदर में छोटा सा एक चेंजिंग करके हम अपने वी लुकअप से जो डेटा मतलब कि जो सिर्फ पहली वैल्यू को शो करता है उसके जगह पे हम दूसरी वैल्यू मतलब कि टोटल वैल्यू को शो करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जून के जगह पे मैं जैन दे दूंगा तो जैन का पूरा डेटा आएगा, फैब दे दूंगा तो फैब का आएगा, और मार्च दूंगा तो फिर मार्च को आएगा। ठीक है, एक कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर समझ में आया। कोई डाउट आप लोगों को? नहीं नहीं है कोई डाउट? तेजपाल जी कोई डाउट इसमें? अरे तू मेरे को खड़े हो गया। हेलो क्या बोला आपने? प्लीज अनम्यूट कर प्लीज, शांत जगह में बैठा करें, पीछे से काफी शोर आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ पे टोटल ऐड करना चाहता ताकि यहाँ पे टोटल भी दिखता रहे। तो टोटल जो यहाँ पे मैनुअल लिखेंगे दिक्कत होगा क्योंकि देखा आपने कि हर महीने का अलग अलग नंबर्स हैं, तो टोटल भी उसके हिसाब से एडजस्ट होता रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो एक यहाँ पे ब्लैंक होगा, उसके नीचे एक डेटा होगा, उसके नीचे ब्लैंक होगा और उसके नीचे यहाँ पे टोटल होगा। तो टोटल जो है मिनिमम 3 रो से तो आएगा ही आएगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूं, देखिए किसका, इफ का, कि इफ ऊपर वाली वैल्यू जो है अगर वो ब्लैंक हुआ तो यहां पे टोटल शो कर देगा, अदरवाइज जो इफ एरर का फॉर्मूला चल रहा है उसको चलने दे। तो हमने फॉर्मूला के स्टार्टिंग में एक इफ का कंडीशन ऐड किया कि इफ एच सिक्स इक्वल टू ब्लैंक तो टोटल शो हो, अदरवाइज जो चल रहा है उसको चलने दे। फिर नीचे हम इसको ड्रैग करते हैं, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि टोटल आ गया क्योंकि हर एक में डेटा है, उसके नीचे ब्लैंक है, फिर डेटा ब्लैंक डेटा, इसलिए आ गया। अब मुझे ये देखना है कि नहीं नीचे टोटल ना आए, एक टोटल आ गया तो बाकी टोटल नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इससे आगे एक और इफ कंडीशन लगाएंगे। वन बाय वन लगाइए, एक साथ लगाइएगा ना कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए वन बाय वन लगाइए। इफ काउंट इफ और मैंने पूरा लिया और बोला इसमें टोटल को काउंट करो, अगर इसका काउंट टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू वन है मतलब तो एक से ज्यादा काउंट की रिजल्ट आ रही है तो ब्लैंक कर दे क्योंकि काउंट टोटल डल चुका है, इसलिए हम इसको ब्लैंक करना चाहते हैं। लेकिन नीचे ड्रैग करने से पहले पहले H5 को फ्रीज करना जरूरी है, तभी तो मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक चलता जाएगा। फिर इसको एंटर कर दिए, अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो फिर हमारा एक ही टोटल आएगा, ओनली फॉर वन टोटल। उसके बाद जहां सम करना है उस पे गया और जो फॉर्मूला लगा है उससे पहले एक कंडीशन जोड़ दिया कि इफ अगर सीरियल नंबर के जगह पे अगर टोटल हुआ टोटल हुआ तो सम का फॉर्मूला लगाया और सम के फॉर्मूले में ये अपने से ऊपर वाले वैल्यू को ऐड करें, नहीं तो जो ये फॉर्मूला चल रहा है चलने दे। और सम की जैसे हमने काउंट इफ का पहले जो एड्रेस था उसका पहला हमने जो रेफरेंस था उसको फ्रीज किया था, ऐसे हम सम का भी और फिर इसको नीचे की तरफ ट्रैक कर, तो यहां पे टोटल आ गया। अब जैसे मैं जैन लिख के एंटर मारा तो देखिए नीचे टोटल चला गया, तो टोटल भी डेटा के साथ ऊपर नीचे घूमता रहेगा। तो तेजपाल जी समझ में आया टोटल का कंसेप्ट? हाँ जी क्लियर है ये।
और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है सर? ए फाइव डाउट नहीं है। हेलो बोली, क्या बोलना? सर अगर ये जैसे जैन को लिया, अगर हम दो डेटों के बीच का डेटा को लेना चाहें तो दो डेट्स हैं, जैसे 1 अप्रैल से और 10 अप्रैल के बीच का डेटा शो करें, हम दो डेट चूज करें, जैसे 1 अप्रैल और दूसरी 10 अप्रैल, उसके बीच का जितना भी डेटा वो सारा शो करें। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे कि अब चलिए, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा उसी क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं अगली सीट पे। तो इनका का नाम है कि मेरे डेटा में यहां पे डेट डला हुआ है, ठीक है, डेट डला हुआ है और मैं यहां पे डेट डाल भी देता हूं। अब मैं चाहता हूं बिटवीन कि मैं चाहता हूं कि जो डेट हमारा है वो डेट 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का डेटा यहां दिखेगा फ्रॉम एंड टू। हाँ जी, तो इसमें कोई साइंस नहीं है वाला, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पे दो चीजें देखनी है। पहली चीज, अगर डेट कॉमन है, मतलब कि एक डेट सिर्फ एक ही बार आ रखा है, रिपीटेड नहीं है, तो सिंपल है, बस यहां पे स्टार्टेड डेट को सेलेक्ट करें और इफ फॉर्मूला लगाएं कि इफ इसमें +1 करने पे वो ग्रेटर देन लास्ट डेट ना हो, ऐसा हुआ तो ब्लैंक करें, अदरवाइज इसमें +1 कर दें, राइट। और फिर इसको फ्रीज करें और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, लेकिन इसमें एरर आने के चांसेस है तो यहां पे इफ एरर देते हैं, इफ एरर। और ध्यान रखे एक एक अंदाजा लगा ले, एक अंदाजा लगा ले कि कितना डेटा एक बार में देखा जा सकता है, उतने आप ड्रैग कर दें फ्यूचर के लिए, ठीक है। और उसके बाद तो आप नॉर्मल वी लुकअप लगा ही सकते हैं डेट के हिसाब से, तो बाकी हमारा नॉर्मल आ गया फिर तो वही, और ऐसे टोटल का हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ सर, क्वेश्चन ये आता है कि अगर डेट आपका रिपीटेड हुआ तो, डेट आपका रिपीटेड हुआ तो क्या होगा। तो उस केस में ये तो सेम रहेगा, बट इसके साथ अगर डेट आपका रिपीटेड हुआ तो क्या होगा। क्या बोलना सर, अगर डेट रिपीटेड हुआ तो क्या करेंगे आप, इसके लिए सोचना हो सर। अभी अभी वाला जो है बोलो, यूनिक बनाएंगे सर उसको, लेकिन प्रॉब्लम यही है यहाँ पे है ना कि 1 जनवरी यहाँ बहुत सारे डेट है ना, अब 1 जनवरी कितना बार हो सकता, 3 बार हो सकता, तो यहाँ पे 1 जनवरी 3 बार आना चाहिए ना। हाँ तो काउंट काउंट इफ जो अभी लगाया था सर उसको यूज कर सकते हैं। तो बोला कि यहाँ पे तो हम फ्रॉम और बी दे रहे हैं ना। उसका भी कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं कि 1 जनवरी जो है 3 बार है। अब प्रॉब्लम ये भी तो हो सकता है कि इसमें 2 जनवरी न हो, कोई डेट नहीं भी तो हो सकता है क्या? हाँ जी सर, कोई डेट भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, लेकिन तो उसके लिए फिर फॉर्मूला से लाना बहुत ही बड़ा लंबी प्रोसेस है। उसके लिए फिर हमारे पास कौन सा उपाय है, तो हमारे पास है डेटा के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट क्यूडी, यहां पे एक्सेल की लिमिटेशन घटती है, फॉर्मूला लगाया जा सकता है लेकिन फिर वो हर एंगल से नहीं लगा पाएगा, कई सारे फैक्टर है जिस कारण से डेटा को इंटरप्ट करेंगे और आपके ऑटोमेशन को इंटरप्ट करेंगे। तो यहां पे वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर लें
या फिर माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी जो है हम आपको अभी नहीं पढ़ाएंगे, ये अभी थोड़ा सा बाद में पढ़ाया जाएगा। फाइल मैंने भेज दी है, आप लोग भी इस पे रिसर्च करके देखिए कुछ नया मिलता है, क्योंकि मुझे अभी एक मिनट के अंदर जो दिमाग में आया मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप लोग अगर टाइम देंगे तो हो सकता है कोई नया रास्ता निकल जाए आप लोगों के पास। ठीक है सर, ठीक है, तो इसको रिसर्च कीजिए। हमने लुकअप का टॉपिक खत्म कर दिया, नेक्स्ट हमारा मैथमेटिकल एंड डेटा क्लास का स्टार्ट होगा। वीडियो सर आज का वीडियो मिलेगा ना? हाँ, आज का वीडियो अभी यूट्यूब पे भी चला जाएगा और आपके ड्राइव में भी चले जाएंगे।